तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एक स्क्रीन पे एक साथ या किसी चैनल पे कोई ऐसा सीन देखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? भाई, जो हैरियर लवर होंगे ना, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसके थंबनेल से ही। आप यहाँ पर अभी अपने सामने देख रहे हैं कि आरवी कार एसेसरीज पर आज कितनी हैरियर लगी हुई है। भाई, 1, 2, 3, 4 और ये रही 5। 5 कलर की हैरियर है, सारी डिफरेंट कलर की हैं। दोस्तों, आज आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि दो दो हैरियर यहाँ पे खड़ी है, एक डार्क एडिशन खड़ी है और एक डुअल टोन रेड हैरियर यहाँ पर खड़ी है। और ये कहाँ पे है? ये है करोलबाग मार्केट में, जो कि आरवी कार्स एसेसरीज के पास ये कार्स आई हैं। और भी बहुत कुछ है आज स्टोरी में, सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे। कुछ काम इन गाड़ियों में आज होने वाला है, इस SUV में होने वाला है। तो शुरू करेंगे और दिखा दूं आपको कि ये डार्क एडिशन जो आप ये सामने देख रहे हैं, डार्क एडिशन में क्या क्या काम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं कि बिल्कुल ही नॉर्मल लाइट्स हैं जो कि कंपनी से आती हैं। और अब इसमें क्या क्या चेंज होने वाला है, इसमें आपको HID प्रोजेक्टर लैंप इसमें लगने वाले हैं, ये सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। रूफ रेल्स ऊपर लगने वाली है, जैसे कि रूफ रेल्स अभी इसमें कुछ देर पहले ही इसमें इंस्टॉल करी गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे डुअल टोन हैरियर में यहाँ पर रूफ रेल्स लगाई गई हैं, बाकी इसमें प्रोजेक्टर लाइट भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए IPS लगाई गई है, काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। तो ये देखिए, अभी कुछ ऐसा ही काम अभी इस डार्क एडिशन में भी होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा अभी और भी हैरियर आनी बाकी है। तो बस वेट करो फटाफट और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी हम सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें अपडेट होता रहेगा ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1, 2 या 3 हैरियर में आज काम नहीं होने वाला है, आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 हैरियर, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, 7 हैरियर में आज यहाँ पर काम होने वाला है। क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, 7 हैरियर में काम होने वाला है? हाँ जी, 7 हैरियर काम होने वाले हैं अभी। 7 यानी कि 7 हैरियर में आज काम होने वाला है, क्योंकि एक ग्रुप है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन हैरियर में कॉमनली सब में क्या क्या चीज़ें लगने वाली। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया हमें एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे। और आपको एक चीज़ दिखाऊं भाई, खजाना पड़ा है यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर HID हो, LED हो, बहुत कुछ पड़ा है, हॉर्न लगने वाले हैं, बहुत कुछ लगेगा अभी। तो हमारे भैया का नाम है डायमंड हीरा, समझ रहे हो, मतलब कितने प्रीशियस हैं। तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया है सर, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया भैया, आपकी दुआ है। और अब आप बताओ कि भाई हैरियर में क्या क्या लगने वाला है, ये सब दिखा दो हमें खजाना। सबसे पहले सर ये है IPH पोलो जी, ये देखिए सर। तो ये IPH लाइट है, जो कि आप इसको फोकस लाइट भी बोलते हो। तो ये देखो किस तरह का ये प्रोजेक्टर लाइट, इसमें LED लगाओगे, जैसे ये लगेगा HID लगेगी इसमें, जैसे ये लगेगा इसकी। अपना नाम तो बता दो भैया। जीतू नाम है भैया, जीतू भाई है हमारे। तो जीतू भाई बता रहे हैं इसमें क्या क्या लगेगा, बताओ। इसमें HID डालेंगे हम, ठीक है, इसका व्यू जो है पूरा क्लियर आएगा। ठीक है, तो इसका जो, क्योंकि ये फॉग लाइट की जगह पे लगेगा, तो क्या इसका फोकस फ्रंट में बिल्कुल सामने रहेगा या थोड़ा जमीन की तरफ रहेगा? नीचे की तरफ, लेवल इसका डाउन रहेगा, ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो। ये HID है, जिमर की है, आप देख सकते हो ब्रांड है जिमर। और ये है HID, HID है। तो ये इसके, और ये है इसके बल्ब, ये देखिए किस केस में आता है ये। नाइस, तो ये सब कुछ इंस्टॉल होने वाला है। और क्या लगाओगे? हॉर्न देखो, बहुत सारे हॉर्न है भाई, हॉर्न ही हॉर्न है यहाँ पे। तो ये है हाइड्रोसोनिक, बहुत सारे, बहुत, वैसे भी हम लगाने जा रहे हैं जो ये वाले हाइड्रोसोनिक के, हाइड्रोसोनिक के लगेंगे। आप एक बार थोड़ा खोल के दिखा दोगे? कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, सब कपलर टू कपलर होगा। तो भाई आप जब आते हो अपनी गाड़ी लेकर के, इतना महंगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि भाई हम बाहर से चीजें लगवा तो लेंगे, लेकिन क्या होता है कि वायरिंग कट हो जाती है, फिर वारंटी लैप्स होने का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे भैया बता रहे हैं कि अगर जो भी चीजें यहाँ पे लगाएंगे तो कपलर टू कपलर लगेगा। तो यहाँ पर आप आइए आरवी कार्स पे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। हॉर्न सारे बड़े बड़े हैं भाई, भाई स्टॉक बहुत सारा है, बहुत सारा है, जो भी चीज चाहोगे, चाहे आप टच स्क्रीन भी चाहोगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्पीकर्स मिल जाएंगे अलग अलग रेंज के मिल जाएंगी। ये देखिए, ये क्या भैया, LED है, ये LED लाइट्स हैं। ये देखिए भैया, ये भी दिखाएंगे, बहुत वैरायटी की LED है। ये है LED लाइट्स, ये देखिए। तो ये सब अभी, और ये बहुत ही, ये कौन सी कंपनी का भी है? जिमर का ही है, ये भी जिमर का ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, ये कंपनी अच्छी मानी जाती है।
तो भाई देखो पूरा कार्टन जो है वो भरा हुआ है अभी, और ये सब अभी इंस्टॉल होने वाला है। भैया इनके अलावा और क्या क्या लगाने वाले हो अभी हैरियर में? सर हैरियर पे अभी एम्बियंस लाइट लगेगी, एटमॉस्फेयर लाइट लगेगा, वेलकम लाइट लगेगी, रूफ रेल लगेगा, डिफोजर लगेगा, आगे पीछे बम्पर। अच्छा, हो सके किसी को चॉइस हो तो फुटरेस्ट भी लगेंगे अभी। ओके, वो डिमांड के ऊपर होगा। हाँ, डिमांड के ऊपर। चलिए ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना इसके बॉनेट पे स्टिकरिंग का काम हो रहा है, तो भैया इसको पूरा पहले क्लीन कर रहे हैं, इसको वॉश करके क्लीन करके अब उसके ऊपर ये जो मैप आप देख रहे हैं, तो ये जो ठग ब्रांडिंग का जो स्टिकर है ये सब आपको कुछ देर में यहाँ पर अभी देखने के लिए मिलेगा, तो इसको पेस्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो डार्क एडिशन हैरियर है इसमें यहाँ पर IPH आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, और ऊपर LED लाइट यहाँ पर लगाई गई है जो कि वाइट लाइटिंग इफेक्ट आपको दे रही है। अब इसको पैक किया जा रहा है ये सब लाइट, एंड इसमें जो हॉर्न है ये भी लगाया जा रहा है। चलिए अब इसका हॉर्न चेक करते हैं, जो भी इसमें हॉर्न लगाया। तो कुछ इस तरह का हॉर्न है, बहुत ज़्यादा बस भैया बंद करो। हाँ, तो इस तरह का हॉर्न आपको यहाँ पर जो ये इसमें आफ्टर मार्केट इसमें लगाया गया है, आपने आवाज़ सुनी। ये अगेन अब दूसरी हैरियर जो है हमारे पास जो सिल्वर है, अब इसके ऊपर भी स्टिकर का काम हो रहा है, तो भैया इसको पहले वॉश कर रहे हैं अच्छे से ताकि कोई इसमें कोई धूल ना रह जाए। आप देखिए यहाँ पर पूरा मैप दिखाया गया है, कारगिल है, नूबरा वैली है, लेह है, श्रीनगर है, तो बहुत सारी यहाँ पे जहाँ जहाँ इनका जो ट्रिप जाने वाला है ये पूरा मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब मैं आपको इसका कॉर्निंग फंक्शन लैंप दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है, जो कि हैरियर में लगाया गया है। तो देखिए स्टेयरिंग को घुमाया और इस तरफ की लाइट ऑन हो गई है। अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ तो अब मैं उस तरफ आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरह से ये वर्क करता है। ये दिन में इतनी प्यारी लाइट आ रही है, तो आप सोचिए कि रात में क्या नजारा एडिशन पे रूफ रेल लगने की। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये रहा इसका रूफ रेल, बहुत बढ़िया भैया, इस पार से उस पार तक है। बाकी इस पे इसको पहले क्लीन करके फिर इस पे प्राइमर का कोटिंग किया जा रहा है। भैया एक बारी बॉटल दिखा दीजिए, तो ये है इसकी प्राइमर की बॉटल, ये देखिए। तो ये रही इसकी रूफ रेल जो अभी पैक्ड है, बाकी खुल के कुछ ऐसी लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पहले जो प्राइमर है उसकी कोटिंग करी गई, उसके बाद इसको लगाया जाएगा। तो अगेन यहाँ पर स्टिकर का काम हो रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब इस हैरियर में अभी क्या लगने जा रहा है, ये लगने वाला है फ्रंट एंड रियर ABS गार्ड। यह ABS फ्रंट एंड रियर वेलकम कंपनी।
वेलकम कंपनी का है ये, और इसको लगाने से आपकी जो गाड़ी है वो और ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर दिखाते हैं जो कंपनी फिटेड जो उसका जो जो बम्पर है वो किस तरह का है। बिल्कुल सिंपल सा आता है जैसा आप अभी देख रहे हैं, बट अब हम यहाँ पर ABS लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर प्राइमर की कोटिंग करी जा रही है जिसकी वजह से इसकी जो जो फिक्सिंग होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। भैया एक बार आप ये दिखाओ हमें, बाकी अब इसको लगाएंगे हम और आपको दिखाएंगे कि इस लुक से ये कैसे इम्प्रूव हो जाती है। और तो ये जो काम आप देख रहे हैं यहाँ पर इन चार गाड़ियों में, यानी कि चार हैरियर में, बल्कि एक हैरियर और आ चुकी है, लेकिन वो थोड़ी सी गंदी थी तो उस गाड़ी को हमने पहले वॉश पे दिया है। वॉश होने के बाद वो जब गाड़ी आ जाएगी आप उस पांचवी हैरियर को भी देखेंगे। और ये सब आई हुई है आज RV कार एसेसरीज करोड़बाग मार्केट में। तो ये जितना भी काम आपने देखा है यहाँ पर, यानी कि RV कार एसेसरीज पर ये सारा कुछ हुआ है। ABS जो हमने लगाया है, अभी हमने अभी आपको रियर का दिखाया था, अब आप ये देख सकते हो। और ये अब हम फ्रंट का दिखा रहे हैं आपको। तो लगने के बाद इसकी लुक अलग से निकल के आ रही है, खासकर ये जो क्योंकि डार्क एडिशन है, डार्क एडिशन पे और ज़्यादा ये जच रहा है। बाकी आप कमेंट करो, आप बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एक स्क्रीन पे एक साथ या किसी चैनल पे कोई ऐसा सीन देखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? भाई जो हैरियर लवर होंगे ना, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसके थंबनेल से ही। आप यहाँ पर अभी अपने सामने देख रहे हैं कि RV कार एसेसरीज पर आज कितनी हैरियर लगी हुई हैं। भाई 1, 2, 3, 4 और ये रही 5। 5 कलर की हैरियर है, सारी डिफरेंट कलर की हैं। तो यहाँ पर आप ये 5 कलर में देख रहे हैं, यानी कि डुअल टोन में आप ऑरेंज देख रहे हैं, डुअल टोन में वाइट देख रहे हैं, और ये डार्क एडिशन देख रहे हैं, डुअल टोन में रेड और सिल्वर कलर की ये हैरियर्स आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इनमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर आपके पास भी हैरियर है तो आप भी यानी कि इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे RV कार एसेसरीज पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर गई हैं, चाहे वो रूफ रेल्स हो, या फिर इसकी लाइट्स हो, या फिर इसके इंटीरियर में कुछ वर्क किया गया हो। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आप जो यहाँ पर जो एक गैदरिंग देख रहे हैं, भाई अभी और भी हैरियर हैं इस लिस्ट में, बट अभी हमारे पास सिर्फ आज 5 आई हुई हैं। और इन सब का लक्ष्य है कहाँ? लद्दाख। खैर, उसके बारे में हम स्टोरी अलग से डालेंगे, बट आपको यहाँ पर दिखाएंगे जो कि RV कार एसेसरीज पर जो भी काम हुआ है ये सब आपको एक एक करके दिखाएंगे। आप इन गाड़ियों की लुक देखिए, आपको प्यार हो जाएगा। और अगर आप हैरियर लवर हैं तो आपको ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप देखिए किस तरह की लुक आ रही है, भाई एक देखने वाला माहौल है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा। इतनी हैरियर शायद ही आपने एक स्क्रीन पे एक साथ देखी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा ग्रुप है, आप चाहें तो इनका पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो काम हुआ है ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। जैसे हैरियर में भी यहाँ पर HID लगाई गई थी, LED HID लगाई गई है, बाकी इसमें रूफ रेल लगाई गई थी, इसके अंदर भी कुछ काम हुआ था, जैसे हमने आपको दिखाया कि इसमें जो भी एम्बेंट लाइट्स हैं ये लगाई गई हैं, वेलकम लाइट लगाई गई थी इसमें। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो सीट के नीचे है, जिसमें सब वूफर लगाया गया, एक्स्ट्रा सब वूफर, क्योंकि हैरियर में ऑलरेडी JBL का सब वूफर आता है, बट उसके बाद भी यहाँ पर इसको इंस्टॉल कराया गया है। और अगर इस हैरियर की बात करें तो यहाँ पर भी रूफ रेल्स ऊपर लगाए गए हैं, जो कि मैंने आपको इंस्टॉल होते हुए भी दिखा दिया था किस तरह के रूफ रेल्स लगे हैं। बाकी अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें जो स्टिकर्स थे ये भी लगाए गए थे, ये आपने देखा, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मैप नज़र आएगा। तो अब हम आ गए हैं डुअल टोन हैरियर, यानी कि ऑरेंज हैरियर है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम एग्नेलो। एक सेकंड, पहले हम आपका मास्क दिखाना चाहते हैं, ये देखिए। ओ वाओ, ये हमारा ग्रुप का नाम है। सर थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बताएंगे हमें? थग्स बेसिकली एक पैन इंडिया ग्रुप है। ओके। जिसमें 1000+ मेंबर्स हैं हमारे। ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया, और बस हम मस्ती करते हैं, ड्राइव करते हैं,
और खुशी भी बांटते हैं और क्या, बस यही करते हैं। मैंने आपकी पूरी गैंग देखी सर, यहाँ से वहाँ तक। आज आप ही छाए में, आज आप ही छाए में। हाँ, मैंने बताया कि आज तो बहुत ही कम गाड़ियाँ आई हुई हैं और गैंग में और भी गैंग मेंबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो हम वो भी कभी आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। तो आज आप आए हैं डायमंड भैया के पास, बिल्कुल, आरवी कार्स पे। तो आज आपने क्या क्या करवाया सर इस पे? आज तो वैसे मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैंने इसके यहाँ पर बहुत कुछ कराया हुआ। अच्छा, जैसे कि इंक्लूडिंग द साइड स्टेप, ये रूफ रेल, ओके, लाइट्स काफी चेंज करी है, ओके, और क्या क्या करवाया मैंने? पीपीएफ करवाया है, हाँ, यहाँ पर पीपीएफ फिगर, पीपीएफ कराया है, और सारा सामान लगाया है, कुछ करवाया, काफी कुछ करवाया है गाड़ी में, और बाकी फिर अपने भाइयों के लिए तो और फिर करवाते ही रहते हैं। वाह, आज आए, हाँ, तो आज यहाँ पर आए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सर के साथ। सर, आपका नाम? सौरभ। सौरभ, अभी जस्ट दिल्ली आए हम। आप कहाँ से? अच्छा, मुंबई से स्पेशली आए हैं। इसके लिए भाई का आएंगे, भाई ने बोला। ओहो, भाई का प्यार ही अलग है यार। मैं चला के लेके आए गाड़ी हम, और अभी वेट कर रहे हैं। अच्छा, डीका लगेगा अभी, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल ही कोरी गाड़ी है। अभी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप भैया, इसको भैया की जिम्मेवारी है, सब कुछ कराएंगे इस पे, सब करना है गाड़ी पे। अभी जस्ट आए हम लोग, ओके, वाओ। अब चलते हैं हम अगली गाड़ी की तरफ। हाय सर। हाय सर, अपना नाम अमित है। मिस्टर अमित, मैं भी सौरभ के साथ बॉम्बे से आया हूँ। वाओ, मेरे राम भाई के प्यार ने मुझे यहाँ खींच लिया है। वाओ, आपका दूसरा नाम राम है? वैसे तो ये डायमंड है, डायमंड है। अच्छा, प्यार से इनका असली नाम राम है। अरे, रामेश्वर मेरा नाम है, रामेश्वर, जो ये हमारे रांची से आए हुए भाई, रांची से। अच्छा, झारखंड, रांची, रांची से। ओके, तो अब हमारी वीडियो रांची तक तो जाएगी जाएगी सर के थ्रू। तो भैया आप, हाँ सर, आपने क्या काम करवाया? मैंने आज काफी कुछ करवाया। पहला तो मैंने रूफ रेल से शुरू किया, ओके, उसके बाद फिर मैंने ये प्रोजेक्टर लैंप्स लगवाए, ओके, एचआईडी एलईडी डाली है, और इसमें एबीएस बम्पर भी डाला है, बम्पर भी डाला है, पीछे भी लगी सारी स्टिकरिंग भी है, हाँ, स्टिकर भी लगे सारे, ठीक है। नया जो अभी ट्रिप होने वाला है उसका, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो ये ठग ग्रुप है, टाटा हैरियर यूनिफाइड ग्रुप, तो ये जा रहा है कहाँ? ये पूरा आप ये मैप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ ये मैप आपको लेके जाएगा सर, वहाँ वहाँ जाने वाले हैं। अभी पूरा गैंग जाने वाला है, क्यों सर? बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई, इस रेड डुअल टोन हैरियर के जो ओनर हैं, यानी कि मिस्टर संदीप, हाय संदीप। हाय सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आज यहाँ पर, यानी कि आरवी कार एसेसरीज पे आप आए हैं इसको लेकर के, आपने क्या क्या करवाया है इसमें? आज तो जैसे आप देख रहे हैं, हमारे ग्रुप का थोड़ा सा गेट टुगेदर था, थोड़े से स्टिकर लग रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि इधर आया हूँ तो मैं छोटा मोटा और काम करवा लेता हूँ जो गाड़ी में पेंडिंग था, जैसे ये रूफ रेल है। हाँ, ये रूफ रेल आपने लगवाई थी। ये डिकेल्स, ये डिकेल्स लग रहे हैं, और इसके साथ मैं पिछले 2 हफ्ते पहले शायद मैं आया था, तो मैंने ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाए थे, आईपीएस प्रोजेक्टर, इसके अंदर जिमर की एचआईडी लगी हुई है, ओके, और अंदर मैंने डैश कैम लगाया था, अभी काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। हाँ, अंदर डैश कैम भी लगा हुआ है, लगाया है, और अभी तक तो बस यही करा है। गाड़ी में कुछ ज्यादा जरूरत देखिए, टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में ऑलमोस्ट जो गाड़ी होती है वो फुली लोडेड आती है, अब उसमें आप कितना कुछ ही लगवा लोगे, बट हाँ, जिन चीजों की जरूरत है वो लगाया जाता है। तो जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पे सर ने कुछ लाइट्स में अपना काम करवाया है, ऊपर रूफ रेल्स का काम करवाया है, अंदर डैश कैम लगवाया है। चलिए मैं आपको वो डैश कैम दिखा देता हूँ, किस तरह का डैश कैम है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, डैश कैम लगा हुआ है। अभी इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट सारी टॉप वेरिएंट ही है, तो टॉप वेरिएंट में आप कितना क्या क्या लगवा लोगे। बट अगर आप हैरियर लवर हैं, अगर आपके पास भी हैरियर है, या फिर आप हैरियर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें अपने मनपसंद की चीज़ें लगवाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ आना है? करोल बाग मार्केट, यानी कि दिल्ली में बेस्ड है, बहुत फेमस शॉप है, आप यहाँ पर आ सकते हैं आरवी कार एसेसरीज पर। क्योंकि आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई 5 हैरियर आपने एक स्क्रीन पर बहुत ही कम ही देखा होगा, या तो शायद ना भी देखा हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रांड है, ये बंदा जो हैरियर जैसी गाड़ियों में काम करता है। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? इसके अलावा भी वैसे ये सारी गाड़ियों में काम करते हैं, होती है, हमारा ग्रुप है ये, ओके, ग्रुप से सारा मेरा काम ही चल रहा है, तो सारे आए हुए हैं जो मोस्ट वेलकम इनको, और आने वाले भी हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे रांची से, बंदे मुंबई से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी, तो आप खुद सोच सकते हो कि शॉप का कुछ तो नाम होगा जिसकी वजह से इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो आप भी आइए, अपने यहाँ पे गाड़ियों में काम करवाने, चाहे आपके पास हैरियर हो या फिर कोई दूसरी ब्रांड की कोई भी गाड़ी हो, आप इजीली आ सकते हैं। सारा सामान आपको आफ्टर मार्केट जो है वो अवेलेबल होगा, वो भी कितनी दाम पे? सही सर, जायज रेट में मिलेगा, बिल्कुल जायज रेट में मिलेगा।
और कपलर टू कपलर करते हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कपलर टू कपलर है, कोई वायरिंग करते नहीं होता हमारा। तो अब आपको आना है कहाँ, इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, अगर आपको आना होगा तो फोन करके भी आ सकते हैं और एड्रेस आपको मिल जाएगा, वहाँ आप आ सकते हैं चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो। चलिए थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स हो जाएं। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सीधा सीधा पूछते हैं भाई ये पार्ट कितने का लगाया, वो पार्ट कितने का लगाया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर प्राय रीजनेबल रेट है, आप मोस्ट वेलकम है, आओ एक साथ बैठ के जो करेंगे हिसाब वही हिसाब से काम होता है, आप जब मर्जी आ जाओ, अच्छी रेट से और सही तरीके से काम होगा। तो आपकी शॉप पे बंदे कैसे आएंगे, हमारे व्यूअर्स कैसे आएंगे, प्लीज अपना एड्रेस बता दो। सर हमारा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी आओ, पिलर नंबर 80 है, मेट्रो पिलर नंबर 80 है, रोड कौन सी है, ये पूसा लेन, पूसा लेन में पिलर नंबर 80, यहाँ से आ जाओ, कभी भी आ जाओगे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा आपको। मतलब इतनी पास है कि अगर आप वहाँ से आकर के फोन कर देते हैं तो भैया आपको पिकअप सर्विस भी दे देंगे, भाई पिकअप कर लेंगे वहाँ से, तो आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप इनकी शॉप पे आते हो। तो कोई भी गाड़ी हो या फिर आपके पास मारुति की गाड़ी हो, ह्युंडई हो, टाटा हो, कोई भी गाड़ी हो, उन सब के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, उसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल मतलब भैया ही नहीं करना है, और रीजनेबल प्राइस के साथ करेंगे, रीजनेबल प्राइस रहेगा हमारा। ठीक है, तो अगर आपको भैया की शॉप की डिटेल्स चाहिए तो एड्रेस अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो आप ये एड्रेस नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से एड्रेस देख सकते हैं, भैया का फ़ोन नंबर भी आपको दे दूंगा, आप आओ भैया से काम करवाओ। और ये मैं खुद भी ऐसी चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम भी यहीं पर आएंगे, इसके बाद आप कहीं नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार, पांच हैरियर दिखाइए आपको, एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो।